तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आती न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर जुड़े एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को कर लीजिए, यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों बात करेंगे दोस्तों न्यू जानकारी, न्यू अपडेट जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलने वाला है पीईबी की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से दोस्तों आज हम बात करेंगे पीएटी के फॉर्म भरने के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीएनएसटी की जानकारी मैं आपको पहले ही रीड आउट करा चुका हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पेट के बारे में। इससे संबंधित दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको सारी जानकारी रीड आउट करा चुका हूँ, चेकआउट करा चुका हूँ, जिसमें दोस्तों मैंने आपको बताया फॉर्म भरने की डेट, एग्जाम डेट, सिलेबस, सारी चीज मैंने आपको रीड आउट कराई है। तो आज से दोस्तों यहाँ पर 31 अगस्त से 14 सितंबर तक फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हो चुके हैं, और इसका जो एग्जाम रहेगा वो एग्जाम भी दोस्तों यहाँ पर 15 और 16 अक्टूबर को आपका एग्जाम रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या करना है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, चैनल बना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम जाएंगे होम पर, और होम पर दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक और न्यू इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले नीचे आएंगे आप, तो आवेदन पत्र भरें 31 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, दोस्तों यहाँ पर चेकबॉक्स पे आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको करना है आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ा में दोस्तों यहाँ पर सामान्य पंजीकरण करना है, और यहाँ पर डेट डालना है। तो सामान्य पंजीकरण कहाँ से मिलेगा और आपको कैसे करना है, तो सामान्य पंजीकरण के लिए दोस्तों मैं ऑलरेडी कई वीडियो आपको बना के दे चुका हूँ, लेकिन यदि आपने नहीं देखा है तो ये प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे आप जाएंगे, यहाँ से आप यहाँ पर इसको करेंगे नो, नो करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है, और यहाँ पर एक कैप्चा कोड भरना है। कैप्चा कोड भरेंगे आपको यहाँ पर नॉर्मली जानकारी आ जाएगी। जानकारी आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका एक आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। आईडी पासवर्ड जनरेट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपको पूरी प्रोफाइल कंप्लीट करना है। कैसे कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही रीड आउट करा चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे फॉर्म फिलअप के बारे में। तो दोबारा से हम जाएंगे यहाँ पर आगे बढ़ाने वाले पे जाएंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के करेंगे हम इसको नेक्स्ट। जैसे दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो हमारा पूरा विवरण आ जाएगा, ऊपर आपको सारी जानकारी दिखाई दे जाएगी। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपको कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची अथवा प्रवेश पत्र में जो भी उपलब्ध हो के अनुसार आपको अभ्यर्थी का विवरण भरना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आवेदक का नाम भरना है, जो कि प्रथम रहेगा। आपको कैसे भरना है, कुछ इस तरीके से जो आपका रजिस्ट्रेशन किया है उसी अनुसार भरना है। आपको यहाँ पर नाम भरने के बाद यहाँ पर आपको फादर्स नेम भरना है, तो जो भी आपका फादर्स नेम है वो आप फादर्स नेम भरेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ पहले से ही रीड आउट हो जाएगी, तो ये डेट ऑफ बर्थ भी आपको भरना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आगे बढ़ाए वाले सेक्शन पे क्लिक, जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर अब आपको ऑप्शन आ जाएगा वर्ग का। क्लास वर्ग में दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो तो आप कीजिए, सैनिक हो तो कीजिए, और यदि आप कृषक हैं तो इस पे आप टिक लगा दीजिए। यदि नहीं है, कृषक नहीं है, तो आप इसको नो कर दीजिए, यहाँ पर हम कृषक वाले पे टिक लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या आप जम्मू एवं कश्मीर के विद्यार्थी होने के कारण बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेना चाहते हैं, यदि आप इससे संबंधित है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको आप नो करेंगे। क्या आप नियम पुस्तिका बीएससी वानिकी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु के अनुसार हेतु शारीरिक योग्यता रखते हैं, तो इससे संबंधित मैं आपको पहले रीड आउट करा चुका हूँ, तो इसको हम करेंगे यस। इसके बाद क्या आप नियम 1.8.1 के अनुसार प्रवेश के स्वस्थ आहारता रखते हैं, तो इसको भी हम यस करेंगे। इसके बाद क्या आपके पास एनसीसी बी अथवा सी प्रमाण पत्र धारक है, तो ये हमारे पास नहीं है, इसको हम नो करेंगे। जिसके पास है तो वो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। क्या आप मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड 10-2 12वीं की परीक्षा उसके समकक्ष न्यूनतम 45% के साथ उत्तीर्ण है, तो इसको हम यस करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या आप वर्ष 2021-22 की नियम पुस्तिका के अनुसार 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हम सम्मिलित नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम पहले के रीड आउट हैं। यदि यहाँ पर हम पास आउट हैं, यहाँ पर हम नो करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सभी कैंडिडेट यहाँ पर पास आउट हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जरा से नीचे आना है, नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको आ जाएंगे ऑप्शन, आप पेपर के लिए क्या देना चाहते हैं, विकल्प समूह कोर सब्जेक्ट ऑप्शन नीचे दी गई तालिका के अनुसार जिसमें अध्ययन करना चाहते हैं के आधार पर विषय समूह का विकल्प भरें। दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है वो आप देख लीजिए, जिसमें दोस्तों यहाँ पर बीटेक एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से है, बीएससी फॉरेस्ट्री और बीएससी एग्रीकल्चर सिंपल है, ये सब्जेक्ट है। जिसमें आपका विषय समूह रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये हमारा नहीं है।
यहाँ पर आप देख लीजिए जीव विज्ञान, जिसमें आपको मिलेगा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और बीएससी एग्रीकल्चर। ये रहेगा यदि आप हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिर आपने ट्वेल्थ किया हो एग्रीकल्चर से, तो आपको ये सिलेक्ट करेंगे। यदि आपने एग्रीकल्चर किया है फिजिक्स केमिस्ट्री रसायन के साथ, एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट था, तो ये सिलेक्ट करेंगे। यदि आप जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, एग्रीकल्चर के साथ हैं, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें, बीटेक यदि आप करना चाहें तो आपके पास पीसीएम होना चाहिए, यदि आप इनमें से करना चाहते हैं तो आपके पास ये होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास फुल्ली जो है एग्रीकल्चर है, तो इसको हम यस करेंगे। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या आप पेमेंट शीट पर प्रवेश लेने के इच्छुक हैं? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम इसको यस कर देंगे। यस से आप कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आगे चल के यदि कोई पेमेंट शीट पे भी एडमिशन मिलता है, लेना चाहे तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन यदि आप इसको नो कर देंगे और बाद में यदि आप सोचे, तो आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर देख लीजिए, यहाँ पर आपको सभी एग्जाम सेंटर दिखाई दे जाएंगे, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपका भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और यहाँ पर आपका सतना, उज्जैन, सागर, रतलाम है। तो इनको हम एक एक करके सिलेक्ट करेंगे। चार एग्जाम सेंटर आपको देना यहाँ पर अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम घोषणा पत्र पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ से हम करेंगे इसको आगे बढ़ाए पे क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आगे बढ़ाए पे हमारा फॉर्म कम्प्लीट भी हो जाएगा। यहाँ से ये नंबर आप जरूर रीड आउट कर लीजिए, क्योंकि ये नंबर दोस्तों आपको बहुत ही काम आएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप इस नंबर से दोबारा से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम जरा से नीचे आएंगे, नीचे आएंगे और दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से पेमेंट का ऑप्शन, तो दोस्तों यहाँ पर हम पेमेंट के लिए ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। पेमेंट के लिए दोस्तों यहाँ पर नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, IMPS, UPI, वॉलेट, जिससे भी आप यहाँ पर पेमेंट करना चाहें उससे कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, या तो आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करें, या फिर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें। यहाँ पर हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये आपको ओके करना है। ओके करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट के लिए, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपका जो पेमेंट रहेगा वो आपको 310 रुपये का यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आप कार्ड से या नेट बैंकिंग या UPI, जिससे भी आप चाहे यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। और सिंपली तरीके से दोस्तों यहाँ पर पेमेंट होने के बाद आप यहाँ पर अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप रूल बुक चाहें तो यहाँ पर आप रूल बुक पढ़ सकते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको सभी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर इसके संबंधित में आपको ऑलरेडी पहले वीडियो बना के दे चुका हूँ, जिसमें नहीं दिखा है वो आप जरूर देख लीजिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको मैंने कोई डाउट होता है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @JDComputer। यहाँ भी मैं गवर्नमेंट जॉब संबंधित, डेली करंट अफेयर संबंधित, डेली न्यूज संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दोस्तों यहाँ भी अपडेटेड करता रहता हूँ। तो यहाँ भी चाहें दोस्तों तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।